किस तरह से इन सब चीजों को, क्योंकि देखिए आप जिस तरह का अखबार में काम करते हो उसकी बहुत सारी सीमाएं, वहां एक एक शब्द का अपना महत्व होता है, एक एक पंक्ति का अपना महत्व होता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जब हम बाजार की बात करते हैं तो वो चीज तो सब पर लागू होती है। तो आप एक अभी आपको उपन्यास भी आया है, आपने कहानियां भी लिखी, आपने कविताएं भी लिखी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक लेखक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, ये जो बाजारवाद का जो होगा कहिए जिस तरह से खड़ा किया गया, क्या शत्रु बाजार या बाजारवाद का दबाव लेखक लेखक पर सब कुछ है या नहीं है? क्योंकि जीवन जगह थे उनसे बाजार सही नहीं है, लेकिन जब लेखन की बात आती है वहाँ बाजारवाद या उसके दबावों की बात की जाती है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे तो मतलब एक पाठक के रूप में जब मैं कहानी पढ़ता हूँ तो बाजार से जुड़े हुए विषय तो क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक विषय जो है बाजार को लेकर के एक बहस अब लगभग सहमति पर आ गई है तमाम अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के बीच कि बाजार ने हमारे एक मूल्य पर आघात किया है। बाजार ने बहुत सी अच्छी चीज़ें दी हैं लेकिन उसने मनुष्य को प्रोडक्ट नहीं दिया, इस पर कोई असहमति अब नहीं है। तो इससे जुड़ी अगर कोई कहानी आ रही है तो यह उसको हम दबाव न कहें बल्कि ये कहें कि उसने एक एहसास का, एक सच का उसने विकसन किया है, ये कह सकते हैं। जहाँ तक पत्रकारिता और लेखन की बात आप कर रहे हैं तो पत्रकारिता पर तो बाजार का बहुत सीधा दबाव है, पत्रकारिता के काम काज उसके स्वरूप पर बाजार का बहुत ही गहरा दबाव है। नहीं तो आप ये देखेंगे किसी बाजारवाद की बात करें तो आप, मैं 90 तक की बात कर रहा हूँ कि जहाँ हमारे जितने भी दैनिक अखबार हुआ करते थे कोई भी अखबार उठाकर देखिए उसमें लगभग दो प्रश्न पूरे पूरे साहित्य पर केंद्रित हुआ करते थे। और एक एक वक्त ऐसा होता था कि एक तीन चार दैनिक पत्र हुआ करते थे, हिंदुस्तान, नवभारत, जनसत्ता, उधर संडे में संडे ऑब्जर्वर भी निकल के शुरू होता, आपको याद होगा। अब आप उनसे देखिए उसमें पूरा पेश किया जाता था, लेकिन अगर हम आज उन्हीं अखबारों की बात करें तो हमारे उन्हीं पर हम देखते हैं बिल्कुल बाजार का दबाव है, क्योंकि अखबारों की आमदनी वही है, अखबारों का विज्ञापन बड़ा है। जितनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो कंपनियां हैं वो अब छोटे छोटे अखबारों को भी विज्ञापन देने लगी है। तो पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि अखबारों को मिलने वाला विज्ञापन बड़ा है और उसको लेकर प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। तो जो पेज पहले साहित्य को दिया जाता था वह पेज अब खास करके ऐसी चीज़ों को दिया जा रहा है जो विज्ञापन लाने में सहायक है, या तो विज्ञापन को और विज्ञापन लाने में सहायक नहीं कर रहा है। ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे पेजेस की कल्पना की, मैं तो पहले कहीं आपने बात पहले की बिल्कुल, मैं तो पढ़ने में चाह रहा था। मेरे बात ये मैं गीता जी की बात का विस्तार करना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी बात बड़ी सबक के साथ कही कि आज स्त्रियाँ, क्योंकि आप बच्चा के केंद्र में गायत्री हम गीता भी रहे, जब जब स्त्री या स्त्री विवर्ष के बाद हम तो उनको अपना आदर्श मानते हैं। या नहीं लांगने के लिए होती है वो, मैं ये देखिए मेरी ये आप, मैं इसको मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, मेरी जिज्ञासा है कि क्या एक स्त्री के लिए जब वो अपने मनोभावों को व्यक्त करती है तो क्या उसके लिए कुछ सीमाएं तय होनी चाहिए, या बाजार, देखिए बाजार फिर वही बात चीज, देखिए बाजार तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा ही, या उसके प्रभाव में, उसके दबाव में वो कुछ इस तरह की चीजें लिखे हैं कि ताकि अचानक बड़ा उत्तेजक और धीरे धीरे वो उत्तेजक चीज एक विमर्श में तब्दील हो जाए। सवाल मेरा ये है कि क्या आप समझ गए होंगे ना, तो आप बड़ी समझ आ रहा है, एक बचपन रेखा काफी है, एक लखनऊ रेखा काफी है, वाह, आचार संहिता दरोगा, ये अदब के दरोगा की तरह बात करें। देखिए आप इस तरह की बात मत करें प्लीज, देखिए मंच है, ये दरोगा शब्द इस्तेमाल मत करिए, हम यहाँ देखा गए, हम लोगों को हमें बात कहने का हक है, जिस तरह से आप बैठे की बात करें, नहीं 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 दरोगा शब्द इस्तेमाल मत करें प्लीज,
ये मंच है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि ये सवाल कभी स्त्रियों ने पुरुषों से नहीं पूछा कि आपके लेखन की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, आपके लेखन की लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मंच होगा कभी कि स्त्रियां मंच से बैठकर पुरुष लेखकों से ये पूछें कि आपके लेखन की कोई लक्ष्मण रेखा थी क्यों नहीं। आज तक किसी स्त्री ने राजेंद्र यादव जी से ये नहीं पूछा कि होना सोना एक खूबसूरत दुश्मन के साथ में आपकी कोई लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं। तो स्त्रियों के लेखन को लेकर एक पेट्रियार्कल सोच, मैं पुरुष इसमें नहीं ला रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो पेट्रियार्की का वाहक जो है वो कोई पुरुष ही हो, ये एक तरह की सोच है, ये एक तरह का मेटा स्ट्रक्चर है जो हमें नहीं दिखता। तो ये जो स्त्रियों के लेखन को नियंत्रित करने वाली जो जो ताकतें हैं, जो फतवे हैं, क्योंकि मैं इस पर बोलते हुए मुझे लगता है मैं ज़्यादा ऑथेंटिक होंगी, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एक किताब को लिखने के ज़रिए इन सब चीज़ों को अपने पर झेला है। और मैं जानती हूँ कि अगर किसी स्त्री के लेखन को खारिज करना होता है तो दो चीज़ें आप कहते हैं कि बाजारवादी किस्म का लेखन है, बाजार को इम्प्रेस करने के लिए लिखा गया है, दूसरा ये कि अश्लील है, और तीसरी बात ये जो दोनों से जुड़ी हुई है कि अश्लील लेखन करके ही कोई स्त्री बाजारों लेखन कर रही होती है और वो बाजार को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। तो ये जो गढ़ है, ये मठ है, इनके हाथ में क्यों ये ताकत है कि वे निर्धारित करें कि स्त्री क्या लिखेगी और क्या नहीं लिखेगी, वो किस पर बोलेगी और किस पर नहीं बोलेगी। वो लिखेगी अगर उसे देह लिखना है, जिस्म लिखना है, सेक्सुअलिटी लिखनी है, जज्बात लिखने हैं, तो उसके दायरे क्या होंगे, क्यों बनाएंगे ना आप दायरे। उसको स्त्री को अपने लेखन की ऊर्जा को, अपनी क्षमताओं को एक्सप्लोर करने दीजिए ना। आप क्यों वहाँ पर एक कोई लक्ष्मण रेखा बनाकर, हमने मंटो के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बनाई, लेकिन जितने इल्ज़ाम इस्मत पर लगते हैं उतने मंटो पर नहीं लगे हैं। इस्मत की जब लिहाफ कहानी आती है तो ताउम्र वो ये कहती है कि मेरे लिए एक जी का जंजाल बन चुकी है, क्योंकि मुझे लिहाफ से अब अलग होना है और लोग मुझे लिहाफ से अलग नहीं होने देना चाहते। तो स्त्री के लेखन पर ये इल्ज़ाम लगाना उसके लेखन को खारिज करने के लिए बहुत सहज तरीका है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत संक्षेप में कि बाजार एक हवा नहीं है, बाजार से इस तरह से भागने से कुछ नहीं होगा। जो लोग बाजार को कोसते हैं वही लोग ये बात बोलते हैं कि अंग्रेजी लिटरेचर को देखो कितनी रॉयल्टी मिलती है, कितना नाम होता है, आराम से कमा के खा सकता है लेखक। दो बातें एक ही आदमी क्यों बोलता है? दरअसल ये बातें वो किस्म के लोग बोलते हैं जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत तो ढूंढनी ही है, चाहे वो स्त्री लेखन से दिक्कत ढूंढनी हो, स्त्री लेखन में बाजार के हावी होने की दिक्कत ढूंढनी हो, चाहे स्त्री लेखन पर देह वाली बात वाली कोई दिक्कत ढूंढनी हो, बाजार से दिक्कत ढूंढनी हो। और मुझे लगता है कि स्त्री लेखन को मार्केट को पहचानना होगा, उसकी पैकेजिंग को, स्त्री लेखन के पैकेजिंग को इस तरह का होना होगा कि वो आम लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि फेमिनिज्म या स्त्री विमर्श एक ऐसा विषय है जो आम लोगों तक बहुत आसानी से नहीं पहुँचता है। बड़ा भारी लगता है किसी भी लिटरेचर पर ये टैग लगा देते हैं कि स्त्री के द्वारा, स्त्री के लिए, स्त्री की नज़र से लिखा हुआ लेखन है, तो वो तुरंत एक खांचे में डालकर उसको डिस्क्वालीफाई या फिर एक वर्ग विशेष तक सीमित कर दिया जाता है। नहीं देखिए, मैं जो मेरा जो सवाल था वो इसीलिए पूछा था, मेरा उसका संदर्भ यही था कि जब आपने लिखा जिस तरह से आप पर क्वेश्चन किए गए थे, क्योंकि मेरा काम संचालन का है, मैं कोई सवाल खड़ा करना या जिज्ञासा वो हो सकता है सामने श्रोताओं को भी जिज्ञासा, मैं उसी संदर्भ में आपसे पूछ रहा था कि लक्ष्मण रेखा से कोई मेरा तात्पर्य वो नहीं था। अगर आप हिंदी विमर्श की बात करें तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए उस हिंदी विमर्श को भी, इस हिंदी साहित्य मुख्य धारा में एक पुरुष नहीं लाए, राजेंद्र यादव को इसका श्रेय जाता है। होना सोना खो, और उसी का फायदा उठाते हुए, सुनिए, उसी चीज का फायदा उठाते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि ये पुरुष इस तरह का सवाल खड़े करते हैं, ऐसा नहीं है, स्त्रियां भी स्त्री को लेखन को लेकर इस तरह का सवाल खड़े करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे संदर्भ में मैं एक बहुत दिलचस्प बात, क्योंकि ये पोस्ट लंच सेशन है तो थोड़ा सा लाइट लगाना चाहिए, कि मेरे किताब के साथ में ही एक किताब आती है गंदी बात, और वो उसमें सेक्सुअलिटी
इतनी खुलकर है, और मैं मतलब मैं पर्सनली उस किताब की बहुत प्रशंसा को, बहुत खूबसूरती से लिखा है एक यंग हमारे मित्र है, 25 साल का लड़का है, और क्या भाषा है, क्या वर्णन है। फ्रैंक हुजूर की किताब आई कुछ साल पहले, मैं उसकी भी फैन हूँ, जिसको कि एकदम नकार दिया गया, बिल्कुल ही उसको इग्नोर कर दिया गया, उस किताब की कहीं चर्चा नहीं सुनाई देती। सोहो, रूह से जिस्म तक का सफ़र, इग्नोर हो गई। किसी ने नहीं कहा कि एक पुरुष ने लुच्चाबंदी की, किसी ने नहीं कहा कि एक पुरुष ने बाजार के लिए लिखा, किसी ने उसको नोटिस तक नहीं किया। पुरुष है पुरुष, तो सेक्सुअलिटी पे लिखेंगे ही, सेक्स पर लिखेंगे। बदनाम गलियां जो सोहो की हैं, वहाँ पूरा का पूरा इरोटिका को छोड़ दीजिए, इरोटिका को छोड़कर पॉर्न है वह, और इतना खूबसूरत पॉर्न है जिसने लैंग्वेज के सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है। एक नई भाषा उसने विकसित की है, अंग्रेजी और उर्दू को शामिल करके एक नया गद्य रचा है उन्होंने, ललित गद्य है वो, और वो बात उसी भाषा में कही जा सकती थी और किसी भाषा में वो कहीं नहीं जा सकती थी। तो इन दोनों किताबों का अगर राजेंद्र जी का जिक्र हुआ है, तो वो इतने बड़े गढ़ मठ हैं, मैं उसमें गढ़ों और मठों में यकीन नहीं करती हूँ, इसलिए वहाँ से यहाँ लेकर आना और उसका जिक्र करना मुझे ज़रूरी लगा। इन दो किताबों का को पर बात किए बिना आप पतनशील पत्नियों पर बात करने के लिए लेजिटिमाइज नहीं होते, क्योंकि स्त्री जैसे ही लिखती है, केवल शुरू की चार रचनाओं में देह है, सेक्सुअलिटी, इन सब की बात की गई है। मैं ये लिख रही हूँ कि कोई भी लड़की कभी भी अकेली नहीं होती, ना अपने कमरे में, ना अपने बेडरूम में, ना अपने बाथरूम में, कहीं अकेली नहीं होती। उसके साथ उसके वहम, उसके डर, उसके पूर्वज, उसके संस्कार, उसका पिछला आगा, सब कुछ होता है। तो जिन आपने जिन जिन, जिन पुस्तकों का जिक्र किया, कहीं नहीं कहीं कहीं ऐसा तो नहीं उन पर कोई बाजार, कहीं उस पर बाजार का भी उस तरह की नजर रही हो? क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि बगैर बाजार के, बगैर बाजार के नजर के बहुत सारी चीजें नहीं नहीं होती हैं। अगर बाजार, बहुत सारी चीजें बाजार तय करता है, और ये हम सब इस चीज के गवाह है। सब अफसोस ये है कि हिंदी के पास में ऐसा कोई पैमाना नहीं है ना, हमारे पास सेंसर्स नहीं है। हिंदी साहित्य के पास में कौन सेंसर है? गिने चुने चार पांच संपादक, मेरा ये कहना है कि कहाँ है वो आंकड़े जो ये बताते हो कि पाठक क्या चाह रहे हैं, पाठक क्या सोच रहे हैं, पाठकों की पसंद का ग्राफ कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। ऐसा कोई व्यवस्था जब तक हमारे पास में अंदाज़ा नहीं है, मैकेनिज्म हमने डेवलप नहीं किया, तो बाकी सारी तो हमारी जिस मंच से, जिस जगह से मैंने जो कह दिया वो सही है, आपने जो कह दिया वो सही है, आपने जो कह दिया वो सही है। इसका मतलब कई बार हम लोग, कई बार हम लोग जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो पाठक भी हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको भी पाठक तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसीलिए मैं बार बार सोशल मीडिया पर आती हूँ कि पाठक क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इसकी सबसे ज्यादा खबर आप सोशल मीडिया पर मिलती है। और जो सोशल मीडिया पे कम एक्टिव पाठक भी है, वो भी वहाँ आकर अपने लेखक को ढूंढना चाहते हैं, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं।